कॉम्प्लेक्स और ये उसका शॉर्टकट रास्ता है। यहाँ पूरी ये एक एचएल सिटी, एक काइंड ऑफ सोसाइटी लोकेलिटी टाइप है जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है, मॉल है और फिर वो है कॉम्प्लेक्स। और ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन एरिया चल रहा है, हम लोग रोड ऑफ रोड आ गए हैं क्योंकि यहाँ पे अभी मॉल बन रहा है। हाँ ये कॉम्प्लेक्स है ना पूरा, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है इनका। और ये वेन्यू 37 ये क्या है, ये इसका नाम है, ये मॉल है। हाँ। अच्छा ये यहाँ पे मॉल है और इसके ऑपोजिट में पूरा कॉम्प्लेक्स। तो इधर के कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल है, बास्केटबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, सब है। अब हम जा रहे हैं बैडमिंटन कोर्ट देखने। बैडमिंटन कोर्ट ही है ना यहाँ। खुशी तो जी आज। और ये यहाँ का बैडमिंटन कोर्ट जो कि बहुत ही मस्त और बहुत ही बड़ा है, नहीं बहुत सही है इधर का बैडमिंटन कोर्ट। नहीं 10, 11, 12, 13, 14, 15 कोर्ट है यहाँ पे। ये प्राइवेट की बनाई हुई है, रिलायंस वालों ने बनाया। इसको बोलते क्या है, जैसे एचएल सिटी क्या है, उस लोकेलिटी क्या मतलब? ये एक प्राइवेट लोकेलिटी है जो कम्युनिटी, इन्होंने गेटेड कम्युनिटी बनाई है कि हम खेत खरीद के फार्म्स खरीद के इन्होंने वहाँ पे अपनी सस्ते में खरीद लिए, महंगे इनको सब डेवलप करके महंगे में बेच रहे हैं। मतलब प्राइवेट वो भी, मतलब यहाँ पे ऐसा भी है, फर्निश्ड फ्लैट्स भी है, एक विला टाइप भी घर है, मतलब हर तरीके के वो बनाए हुए हैं ना। हाँ पूरा अच्छे से। और मतलब मॉल भी है इसी में, इसी लोकेलिटी में कॉम्प्लेक्स है पूरा बड़ा सा। हाँ इससे बाहर गांव है, मतलब इसके फिर मतलब यही लोकेलिटी, मतलब जो है वो इसी लोकेलिटी बाहर जाते ही नहीं, इसके बाहर जाते ही खाली एरिया ज्यादातर। हाँ पूरा गाँव अंदर सब कुछ है। अब हम दिखाने जा रहे हैं जिम। तो ये बहादुरगढ़ में है ना, बहादुरगढ़ बाईपास पर ये है, ये बहादुरगढ़ बाईपास में एयरपोर्ट से थोड़ा दूर पड़ेगा, ये सब चीज है। मेट्रो है तो ये जिम। इधर के एंट्री के लिए हमें चाहिए कार्ड, जो कि हमारे पास नहीं है। नहीं वो दे रहे थे कार्ड, वो दे रहे थे। हाँ बट बस हमें एंट्री मतलब इन्हें करना ही नहीं है, ज्वाइन करना पड़ेगा फिर ही वो कार्ड मिल सकता है। ये हटा लो। अब हम जा रहे हैं खाना खाने, अब हम जा रहे हैं खाना खाने और हमारी शक्लें हो गई बिल्कुल भूतो जैसी। अभी आपको हम वो रेस्टोरेंट दिखाएंगे, बहुत बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। हाँ और फिर उससे बाहर है ना चेयर्स हैं, वहाँ पे हम सारे बच्चे बैठ जाएंगे थोड़ी देर। ठीक है गाइस, तो हम अब चलते हैं खाना खाने, प्रांजल पे लेके जाएगी यहाँ के बेस्ट रेस्टोरेंट में। और बहुत मजे करेंगे आज हम, हमने बहुत मजा करा। मेरा तो ऐसे मेरा मन होता है, मेरे पास एक टाइम मशीन होती, पीछे आगे करती रहो पूरी जिंदगी, मतलब ये आज का दिन है। और हम थोड़ी देर में चले जाएंगे प्रांजल को, मैंने थोड़ी देर नहीं, अभी एक दो घंटे तो रुकूंगी। डांस करेंगे अभी सब, आप आ जाओ हमारे घर, आ जाओ ना, इतनी जल्दी 400 नहीं क्यों, आ जाओ मजे आएंगे। मेरा मामा घर जाना, मेरे मामा का बेटा हुआ है। अरे हम लोग वहाँ पे वो खेलेंगे, चैलेंजेस खेलेंगे, पक्का आऊंगी। पक्का शादी पे मैं पहले इनकी शादी करवा के आऊंगी। प्लीज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे। आ जाओ चलो सब, अंधेरे में कोई दिख नहीं रहा है। तो अब हम जा रहे हैं, जली हुई है अब वहाँ पे हम आज आपको अब ये रेस्टोरेंट दिखाती है। ये थोड़ा कुछ ज्यादा चमक रहा है, देखो वहाँ पे मेन्यू भी है, देखो वहाँ पे छोटा सा मेन्यू, बड़ा सा मेन्यू, छोटा कह रही हूँ। अब हम आगे हैं मॉम्स किचन, चलिए प्रांजल हमें लेके चलेगी मॉम्स किचन मेरी तरफ जरूर। कुछ ऐसा नहीं है, प्रांजल की तरफ से क्या हम इसके अंदर घुस गए। ये हमारे देखो मैं जो सोच रही थी इस साइड खुशी दीदी बैठी गई, इस साइड ये वाली दीदी वही हुआ। और देखो
कुछ ऐसा दिख रहा है मॉम्स किचन, ये देखिए। ओके सो गाइस, ये देखो मेरी प्लेट में है मंचूरियन, दाल मखनी और ये गार्लिक नान। दीदी की प्लेट में है, क्या है ये, दोनों पनीर है और एक गार्लिक नान। मैक्सिमम सब नहीं गार्लिक नान नहीं है, बस माँ को छोड़ के। और ज़ूम गाइस दिखाओ अपने बचपन की फोटो दिखाओ। अरे बाप रे, कितनी क्यूट है लड़की, और अब कितनी पतली हो गई बताओ। अब हमारा तो आज रात हम यही रुकने वाले हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताओ, पहले हमें सरप्राइज मिला। मैंने अपने आंटी से पूछा कि हम, आंटी आप प्लीज रुक जाओ, मैं पकड़ती हूं। फिर मैंने बोला, आंटी आंटी बोले ठीक है बेटा रुक जाएंगे। फिर वो रुकी ना, 10 मिनट है ये वहां नहीं है। तो आपको सरप्राइज, आपको मेरे डस्टबिन दिखाती हूं। हां जी दिखाइए अपना डस्टबिन दिखाइए। सबसे प्यारी चीज है नहीं, हाँ ये ग्लास वाला है, बहुत प्यारा लगा मुझे। यूट्यूबर लोग यही लगाते हैं, आप भी लगा लेना। हाँ, बाद में थोड़ा सा बड़ा यूट्यूबर हो जाए बन के आप जाइए तो डाल भी देना फिर उसमें। दीदी अब वो तो नहीं हो सकते। तो अब हम लेने जा रहे हैं कुछ स्नैक्स अपनी रात के लिए। वैसे खा तो बहुत लिया है, खाना टेस्टी था। नहीं क्या हुआ, चलो गाइस चलते हैं। चलो मैं तो हमेशा रेडी हूँ घूमने के लिए। दो ले ली है, ये बड़ी फेवरेट है आपकी। हाँ मेरे को बहुत पसंद है ये, पसंद है ये। देखो यहाँ पे ये है शॉक, और आपने वो टॉपिंग कॉपिंग, ये प्यारे प्यारे क्रोकोडाइल्स है। आपने वो कॉपिंग कैक्टस, यहाँ पे पांडास भी है। कॉपिंग कैक्टस होते हैं ना, वो भी थे यहाँ पे। सुबह हो चुकी है, हम लोग थक गए थे रात को बहुत ज्यादा, तो मतलब खाना खाने आने के बाद हम सीधा जाके सो गए, तो अब जाकर उठे हैं। और या दैट्स इट फॉर आवर व्लॉग। इफ यू लाइक द प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, पापा हॉर्न बजा रहे हैं, जल्दी भाग।